Assalamualaikum. Guys, आज मैं बात करने वाला हूँ MIUI Pro version 8.3.8 जो कि दिया गया है बीटा. तो आज जान लेते हैं दोस्तों क्या है कुछ खास, क्या दिया गया है स्पेशल. डेवलपर है अमीन. तो चलिए जान लेते हैं गाइज. मेरा नाम है एस्माही इरफान एंड यू आर वॉचिंग द स्मार्ट टेक्निकल वर्ल्ड. जो पहले डेवलपर थे वो थे रॉक मेटल, जिन्होंने किसी कारण से लेनोवो p1m के लिए MIUI की रोम्स को पोर्ट करना कर दिया बंद. लेकिन उनकी एक वीडियो की मदद से हम भी पोर्ट कर सकते हैं अब MIUI की रोम्स लेनोवो p1m के लिए. दोस्तों उन्हीं की वीडियो से शिक्षा लेते हुए यहां पे अमीन जो कि डेवलपर है इस रोम के, उन्होंने बनाया है बीटा वर्जन जो कि है शायद Miui M2 की तरफ से. तो दोस्तों यहां पे आपको ऑब्जेक्ट जो है वो है रूट एप्लीकेशन जो कि प्री इंस्टॉल दिया गया है रोम में. तो ये जो वर्जन है दोस्तों ये है M2 का 8.3.8 यानी कि 8 मार्च 2018. यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में बताऊंगा दोस्तों, यह CPU जहाँ पे 6135 MT के लिखा हुआ है. लेकिन बैटरी की मदद से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी अभी जो जितनी भी बैटरी बची है वो है 2450 mAh. तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर आप ऊपर देखेंगे 65 मेरी भी बैटरी है, तो यहाँ पे आपको कैपेसिटी बताई जा रही है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है. लेकिन दोस्तों आपको इसके साथ साथ यहाँ पे पूरा जो यहाँ पे फोन का रेजोल्यूशन है, स्क्रीन साइज है, रैम है और CPU मैनेजर है या डिवाइस की जो और भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहीं पे हर रोम की जो MIUI की पोर्ट की रोम होती है वो यहाँ पे मिल जाती है. लेकिन दोस्तों ये जो रोम है ये है बेस्ड एंड्रॉइड वर्जन 5.0.2 और यहाँ पे जो कर्नल है दोस्तों वो है 3.10.65. तो दोस्तों ये जो बेस्ड है ये है लॉलीपॉप. तो दोस्तों ये है टोटल पोर्शन जो आपको मिलता है रोम को इंस्टॉल करने के बाद. यानी कि अगर आप देखिए यहाँ पे सिम टूल 2 तक, यहाँ पे जो दूसरी तीसरी लाइन है यहाँ पे मैजिक मैनेजर फाइल मैनेजर MIUI वीडियो एंड सिम टूल विद स्वाइप, ये जो ऑप्शन है साथ में आता है तो इतनी रोम मिलती है आपको आफ्टर इंस्टॉलेशन द रोम. इसके साथ साथ दोस्तों आपको साथ में करना पड़ता है GFS इंस्टॉल. लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि आपका जो GFS है गैप्स है वो होना चाहिए 5.0.2 यानी कि लॉलीपॉप बेस्ड. अगर आपने 5.1 किया या 6.1 किया तो वहाँ वहीं पर आपकी जो गैप्स है वो रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये सपोर्ट करता है 5.0 को. और इसमें एक अच्छी खासियत दी जाती है TWR पे रिकवरी में कि वो वहीं पे रिजेक्ट करता है अगर आपकी रोम मैच नहीं करती है आपके गैप्स के साथ. तो अब मैं बताऊंगा दोस्तों क्या है रोम में कुछ खास और क्या दिया गया है स्पेशल. दोस्तों सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे बात करूँ बग्स की, बग्स तो तकरीबन ज्यादा कुछ आपको नहीं मिलते क्योंकि जो MIUI की रोम्स होती है वो सभी काम कर रही है सही. लेकिन दोस्तों अगर आप एक वीडियो एडिटर है और आप मेरी तरह के यूट्यूबर है, रिकॉर्ड करते हैं वीडियो, उनको एडिट करना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जो काइन मास्टर जो सबसे स्पेशल ऐप माना जाता है एडिटिंग के लिए मोबाइल डिवाइसेस में, तो यहाँ पे जो आपका काइन मास्टर वो वर्क नहीं कर रहा है. दोस्तों वर्क क्या नहीं कर रहा है, यहाँ पे अगर आप एडिटिंग करेंगे तो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा एडिटिंग, जो भी आप उस वीडियो के साथ करना चाहते हैं हो जाएगा. लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपकी जो वीडियो है वो दिखा रही है कि जो डिकोडर है वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है और आपकी जो वीडियो है वो डिकोड नहीं हो जाएगी. तो दोस्तों यहाँ पे आप खाली वीवा वीडियो मैंने इस्तेमाल किया है, वीडियो शो इस्तेमाल किया है, वो इस रोम में इस्तेमाल होते हैं. लेकिन अगर आप काइन मास्टर यूज़र है या पावर डायरेक्टर यूज़र है तो आपकी जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट नहीं होती है. इसके बाद दोस्तों अगर मैं कुछ और एप्लीकेशन की बात करूँ, जैसे अगर आप एक स्क्रीन रिकॉर्डर है या आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है तो यहाँ पे खाली जो MIUI में MIUI पोर्ट रोम, दोस्तों मैं यहाँ पे ऑफिशियल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप MIUI की पोर्ट रोम में देखेंगे, अगर मैं यहाँ मेरे पास डीयू रिकॉर्डर है और अगर मैं इस डीयू रिकॉर्डर को ओपन करना चाहता हूँ तो ओपन तो होगा ये दोस्तों, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड जो है वो नहीं होता है. आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 3:1 करके जो आएगा. उसके बाद यहाँ पे ज़्यादातर जो MIUI रोम्स है पोर्ट की हुई उसमें दिक्कत है दोस्तों, आप मोबिजन के अलावा तकरीबन कोई और रिकॉर्डर इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं क्योंकि वहाँ पे अगर आप ये काम भी कर रहा है दोस्तों तो ये देखिए. दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो रोम है ये है LTE वोल्टी को सपोर्ट नहीं कर रही है. जैसे कि दोस्तों मैंने कहा कि इस रोम में आपको बग्स तो ज़्यादा नहीं मिलने वाले, खाली वीडियो एडिटिंग का बग है और तो और स्क्रीन रिकॉर्डर का बग है क्योंकि इसमें कोई और एप्लीकेशन वर्क नहीं करती है सिवाय मोबिजन के या वीवा वीडियो प्रो आप यूज़ कर रहे हैं, वीवा वीडियो एडिटर या वीडियो शो, तो ये सारे एप्लीकेशन वीडियो एडिटिंग के लिए इसमें यूज़ होते हैं. इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ कैमरा की. कैमरा जो है दोस्तों बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, फास्ट वर्क कर रहा है, कैमरा में कोई दिक्कत नहीं है. दोस्तों आप लो लाइट में भी बैक कैमरा से बहुत ही अच्छी पिक ले सकते हो. ये जो दोस्तों रोम है ये है प्री रूटेड और जो रूट एप्लीकेशन है वो है मैजिक मैनेजर. अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मैजिक मैनेजर में डाउनलोड ऑप्शन में जाके यहाँ पे उसका हल अगर आपको मिलता है तो डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसे. और दोस्तों मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अमीन का जिन्होंने ये रोम पोर्ट की है, एक सही ढंग से सही तरीके से रोम पोर्ट की है. बहुत ही अच्छी रोम है, सॉफ्ट टच है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं मिलती है. लेकिन दोस्तों अगर आपको कोई मुश्किल आती है इस रोम में तो प्लीज़ दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं या अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आप अपनी दिक्कत बता सकते हो.
तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही कुछ, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस मोमेंट अहेड दोस्तों, थैंक यू।